दोस्तों नमस्कार, मार्केट की बात करते हैं, यस बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। शेयर होल्डर्स जिनके शेयर्स लॉक हो गए थे तो उनके लिए एक तरह से गुड न्यूज है। तो यस बैंक के बारे में बात करते हैं, जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे, स्टॉक प्राइस की बात करेंगे, फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे और स्टॉक में क्या करना चाहिए उस पॉइंट की बात करते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। यस बैंक में गिरावट देखने को मिली, एक बड़ा अपडेट है। यस बैंक में 3 साल पहले लॉकिंग पीरियड हुआ था, यस बैंक को एक तरह से सेव किया गया था, बचाया गया था डिफॉल्ट होने से। बड़े बड़े बैंकों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट था SBI का था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब देखिए 3 साल पहले सेव किया गया था तो 13 मार्च 2023 को लॉक इन पीरियड, जो शेयर्स लॉक हो गए थे उनका पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए आज ये गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक ने जो लो बनाया 14.40 रुपये का बनाया। तो आगे भी एक तरह से प्रेशर रहेगा और जैसे कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया था मार्च 2020 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, HDFC बैंक ने किया था, ICICI बैंक ने किया था, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक ने 10 रुपये में इन्वेस्टमेंट किया था। देखिए स्टॉक प्राइस है 3 साल के बाद 15.70 रुपया। तो इन बैंकों को एक तरह से फ़ायदा हो रहा है और जिन रिटेल निवेशकों ने लगभग 9 से 10 रुपये के बीच भी खरीदारी की है तो उनको भी एक तरह से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बैंक में एक तरह से सुधार हो रहा है। SBI की बात करते हैं तो देखिए SBI का जो वैल्यू हो गया है 12,400 करोड़ का हो गया और SBI ने 10 रुपये प्रति शेयर के दाम पर यस बैंक के शेयर को सब्सक्राइब किया था और SBI की जो होल्डिंग वैल्यू 7,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा थी, अब वो 12,400 करोड़ रुपया हो गया। तो इस तरह से और बैंकों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया था और उनको भी फ़ायदा हो रहा है, तो वो सेलिंग जो है लॉकिंग पीरियड ख़त्म होने से सेलिंग रह सकती है आगे यस बैंक में, इसीलिए ये 13 मार्च 2023 को गिरावट है। तो ये अपडेट है और निवेशकों को जिनके लॉक हो गए थे शेयर वो भी एक तरह से बेच पाएंगे। अब बात करते हैं यस बैंक के फाइनेंशियल नंबर, इंटरेस्ट 5,873 करोड़ का था और इसका जो प्रॉफिट था 55 करोड़ का था, लास्ट क्वार्टर में 55 करोड़ का प्रॉफिट था और ग्रॉस एनपीएज नेट एनपीएज भी एक तरह से अब बहुत कम हो गए। तो यस बैंक के जो तो यस बैंक का इनकम बढ़ रहा है, प्रॉफिट में बैंक है, बुक वैल्यू पर शेयर है 11.12 रुपये गए और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ गए और डिविडेंड दिया नहीं है यस बैंक के द्वारा, तो अर्निंग पर शेयर है 0.31 का। तो देखिए इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 12 का और स्टॉक प्राइस 15 में है, इक्विटी इसकी ज़्यादा है, 3 साल का रिटर्न माइनस में है 37% का, 1 साल का रिटर्न 24% का है और पिछले 3 महीने का रिटर्न भी माइनस में है 33% का, 1 महीने का रिटर्न भी माइनस में है 5% का। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, यस बैंक लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का ग्राफ है और 52 वीक लो है 12.10 रुपया, 52 वीक हाई है 24.75 रुपया और 15.85 रुपये में स्टॉक प्राइस है 13 मार्च 2023 को। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करते हैं तो एक तेज़ी बनी थी इसमें, स्टॉक प्राइस 24.75 रुपये तक पहुंचा था, उसके बाद देखिए एक तरह से स्टॉक में फिर गिरावट ही है। और अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो 18.30 रुपया इसने हाई किया था, तो टेक्निकली एक तरह से 18.30 रुपये के ऊपर जब ये जाएगा तब तेज़ी बनेगी, नहीं तो एक रेंज में देखिए नीचे की तरफ अगर ये जैसे कि आज का लो है 14.40 रुपये अगर इसको ब्रेक करेगा तो 12.10 रुपये के आसपास आता हुआ दिखेगा। टेक्निकली एक तरह से देखिए ये 14 रुपीज के नीचे रहेगा तो इसमें बाइंग आती हुई दिखी जा सकती है, क्योंकि जो लॉकिंग पीरियड का हैंग ओवर है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा और कभी न्यूज आती है कि किसी बैंक के द्वारा अगर सेलिंग होती है तब इसमें गिरावट होगी, नहीं तो जिन निवेशकों के पास होल्ड करना चाहिए आने वाले समय में 24.75 रुपये तक जाएगा, बट ये समय लग सकता है और टेक्निकली 18.30 रुपये के ऊपर अगर ये क्लोज देगा तब तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और जो हैंग ओवर है, देखिए आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है लॉकिंग पीरियड की वजह से, बट स्टॉक में थोड़ा बहुत देखिए बाइंग भी आ रही है क्योंकि पेनी स्टॉक है 15 रुपये का, बहुत सारे निवेशक खरीदारी भी कर रहे होंगे क्योंकि बैंक के हालात सुधर रहे हैं और 3 साल हो गए, तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उनको लगभग 50 से 60% का रिटर्न मिला है और 15-16 रुपीज़ का है, तो अपने अनुसार अपने रिस्क के अनुसार अपना डिसीजन लेना चाहिए कि हमको यस बैंक में करना क्या है। हमारा व्यू ये रहेगा कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए जिनके पास है और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब फ़ायदा भी लेना चाहिए। देखिए 3 साल पहले SBI
और जो बैंकों ने इन्वेस्टमेंट किया था लगभग 50-60% का रिटर्न दिया है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।